नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। नसरुल्लागंज सहायक जेल अधीक्षक को 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ लोकायुक्त की टीम ने पकड़ा। कल रात्रि 9:20 से मध्य रात्रि 2 बजे तक लोकायुक्त DSP सलील शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। बजरंग कुटी नसरुल्लागंज निवासी अर्जुन पवार ने 5 जनवरी को लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक भोपाल से शिकायत की गई थी। आवेदक का कहना था कि महावीर सिंह बघेल सहायक जेल अधीक्षक नसरुल्लागंज द्वारा कैदियों से मिलने व कैदियों को प्रताड़ित न करने के में रिश्वत की मांग की गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए लोक आयुक्त की टीम ने सहायक जेल अधीक्षक को उनके जेल स्थित शासकीय आवास पर रंगे हाथ पकड़ा। आपको बता दें कि नसरुल्लागंज सहायक जेल अधीक्षक द्वारा कैदियों से मिलवाने व कैदियों की सुख सुविधा के लिए व कैदियों को प्रताड़ित नहीं करने के एवज में परिजनों से रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसको लेकर नसरुल्लागंज के अर्जुन पवार ने 5 जनवरी को भोपाल पहुंचकर लोकायुक्त कार्यालय में इसकी शिकायत की, जिस पर संज्ञान लेते हुए लोकायुक्त DSP सलील शर्मा के नेतृत्व में कल रात 9:20 पर कार्रवाई करते हुए उप जेल अधीक्षक नसरुल्लागंज को रंगे हाथों पकड़ा गया। क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह पवार। कहाँ के निवासी हो? ग्राम मेमगा। और क्या मामला है, जिस प्रकार से आपने एक लोकायुक्त में शिकायत की थी? सर, वो पैसों की मांग करता था महावीर सिंह बघेल। हम लोग पहले पेमेंट दे चुके थे, फिर भी और डिमांड रख रहा था। कौन है ये महावीर सिंह बघेल? जेलर साहब। क्या है, कैसे डिमांड किया आपसे? 20,000 रुपये दो, जब बंदे हम सही से रहने दूंगा, बंदे उनको टॉर्चर करूंगा। नहीं, पहले भी इन लोगों ने कुछ पेमेंट मांगा थे, लोगों से मुलाकात नहीं देता था बिना पैसे, 5,000 रुपये मुलाकात के लेता था। जैसे किसी का आदेश आ जाता है तो ये 5,000 रुपये लेता है। इस प्रकार से शिकायत थी। आपने शिकायत कब की थी? लोकायुक्त में 5 तारीख को। सर, 5 तारीख को फिर क्या हुआ आगे? फिर उनने मेरे को टेप दिया रिकॉर्डिंग के लिए, फिर रिकॉर्डिंग हुई, फिर रिकॉर्डिंग होने के बाद उनने 12 तारीख को छापा मारा। पैसे आए थे पाउडर लग के मेरे पास, वो पैसे दिए इस लोग इसने लिए और टीम आ गई। आपके परिजन कौन बंद है जिनके लिए आपने, मतलब क्या उन्होंने जेलर साहब ने क्या बोला था आपसे? हमारे साथी लोग बंद हैं। तो क्या मिलने के लिए मांग रहे थे या प्रताड़ित ना करने के लिए? प्रताड़ित ना करने के लिए और मुलाकात के तो अलग ही लेता। कितनी डिमांड थी वो? 20,000 रुपये। हाँ, और 2,000 रुपये हर मुलाकात पे लेता। आप जो लोकायुक्त की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हूँ सर, पूर्ण रूप से नहीं। नसरुल्लागंज से खबर समय जगत के लिए हेमंत वैष्णव की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।